Welcome back to my channel. Today I'm again at the Mahagun Sarovar Portico and I am here for the dinner. मैं अभी dinner buffet बोलने वाली थी मगर आज यहाँ पर buffet नहीं लगा हुआ है और काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है तो जैसे यहाँ तक आपको दिखाती हूँ. बट बिफोर गेटिंग फर्दर इन टू द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज एट द रेट कुक रेसिपी इज 123. देयर आई शेयर द लाइव अपडेट्स ऑफ व्हाट आई डू एंड व्हाट आई ईट. आई एम हेयर विद माई फैमिली और वहाँ पे मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं. हाय. और यहाँ पे मेरी सिस्टर है. तो अभी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है. जैसे खाना आता है मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है. खाना तो अभी आने में थोड़ा टाइम है मगर यहाँ पे पापड़ चटनी आ गए हैं और ना ये मेरे फेवरेट पापड़ हैं. मुझे ना दाल वाले पापड़ नहीं पसंद, जैसे फ्राइड वाले राइस क्रैकर्स बहुत अच्छे लगते हैं. और ये तो काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है. इसमें मैं धनिया भी देख सकती हूँ. इट लुक सो फैंसी. हरी चटनी भी आई है. हरी चटनी बेस्ट लगती है मेरे को स्पेशली यहाँ की. हाँ ये रही चटनी और प्लेट में निकाल लेती हूँ. मेरी सिस्टर वेट कर रही थी ये सब मैं कर लूँ उसके बाद वो ले तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ. ओके सो ये सब पापड़ वैसे इसमें तो क्या ही रिव्यू करूँ. ऑल आई कैन से फ्रेश लग रहे हैं देखने में. काफ़ी सारे आए हैं. ऑब्वियसली आप इनसे दोबारा भी ले सकते हो ऐसे पापड़ चटनी. वैसे ना यहाँ पे यूजुअली बुफे ही लगता है और सेट मेन्यू नहीं होता है मगर ये है कि मैं आपको सारी डिशेस ट्राई करके दिखा दूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ पे और कौन सी डिश बेस्ट है. पापड़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और चटनी तीखी सी. यहाँ पे सूप भी आ गया है और वेज में आज ऑप्शन था वेज हॉट एंड सार सूप का. दिस इज़ माय फेवरेट. इसके साथ यहाँ पे फ्राइड नूडल्स आए हैं और यहाँ पे सॉसेज हैं, विनेगर है तो ये सब आप ऐड कर सकते हो सूप में मगर मैं नहीं करूँगी बिकॉज इनका सूप ना ऑलरेडी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. इट इज़ रियली थिक. काफ़ी सारे वेजीज है इसमें तो ये न्यूट्रिशियस भी होने वाला है. आई कैन सी कॉलीफ्लावर इन इट. यूजुअली मैंने देखी नहीं कहीं मगर अच्छी लग रही है और पनीर भी है तो इसे ट्राई करके देखते हैं. नूडल्स मैं ऐड नहीं कर रही हूँ मगर हाँ काफ़ी लोग करते हैं तो इसलिए आए हैं नूडल. काफ़ी फ्लेवरफुल है और ना परफेक्टली सीजन्ड है. बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है विच इज़ द बेस्ट पार्ट. अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो ज़्यादा तो आप ऐड कर ही सकते हो चिली सॉस अलग से. ऊपर से इन्होंने इतने सारे स्प्रिंग अनियन डाले हैं ना तो उससे अच्छी सी फ्रेशनेस आ रही है. वेजीज इसमें बेसिक ही हैं, ब्रोकली कैरेट्स पनीर. मैं ना खुश हूँ कि आज यहाँ पे टमेटो सूप नहीं था. वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट सूप कौन से वाला है. यम्मी. इसे देख के लगा था कि क्वांटिटी ज़्यादा आ गई है मगर ये इतना अच्छा लग रहा है ना टेस्ट में कि मैं डेफिनेटली पूरा फिनिश कर लूँगी. सो यार गाइस नाउ गोना एंजॉय दिस एंड मीट विद समथिंग एल्स. नॉनवेज आप बस एक पीस ही लेना मुझे. बस एक. थैंक यू. हाँ नहीं नहीं काफ़ी. यहाँ पे ना स्टार्टर भी आ गया है और वेज स्टार्टर में है चिली पनीर. इट लुक्स रियली गुड. और मैंने कम लिया है बिकॉज ज़्यादा खाया नहीं जाता. हरी चटनी ले लेती हूँ. पता नहीं चिली पनीर को करना चाहिए पेयर इससे या नहीं मगर मैं तो करूँगी. आपकी अपनी चॉइस है. इसके अंदर अनियन डले हैं और मेरे पापा हाय बोलने की कोशिश कर रहे हैं शायद. तो इस चिली पनीर में अनियन है, बेल पेपर्स भी थे वो मैंने लिए नहीं.
इट लुक्स रियली सॉसी। और पनीर ना यहाँ का बेस्ट होता है, एकदम सुपर सॉफ्ट। तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। ये मेरे को दो पीस दे दो। अच्छी होती है, लास्ट टाइम थी एक बार यहाँ पर। हाँ जी, थैंक यू। तो ना यहाँ पे मैं अभी आपको चिली पनीर ट्राई करके दिखा रही थी, फिर कुछ लाइटिंग का इशू हो गया था, अभी लाइट आ गई है वापस, जस्ट एक मिनट में ही आ गई। तो मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। ये तो चिली पनीर इट लुक्स रियली गुड और ना अच्छा है काफ़ी। पनीर सॉफ्ट है, क्रीमी है, बाहर से हल्का क्रिस्पी टेक्स्चर आया है। और ना यहाँ पे सेकंड स्टार्टर भी आ गया है, दिस इज़ आलू कॉर्न की टिक्की। ये बहुत अच्छी होती है, मैंने एक बार पहले यहाँ पे ट्राई कर रखी है, इसलिए मैंने दो पीस ले लिए। इसे ट्राई करूँगी। इसके अंदर इन्होंने नट्स भी डाले हुए हैं, आई कैन सी कैशू नट्स इन इट और मे बी पीनट है, खा के पता लगेगा। तो हरी चटनी से पेयर कर दो इसे। टिक्की काफ़ी यमी है, स्पाइसी है, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी, जैसे कि होनी चाहिए अच्छी टिक्की। और ना ये कॉर्न को आई गेस ग्राइंड करके डालते हैं, बिकॉज मुंह में नहीं आ रहा पूरा पूरा। अच्छा लग रहा है, ये थोड़ी सी ग्रीन कलर में है, शायद इन्होंने इसमें बहुत सारा धनिया डाल रखा है इसलिए। स्पाइसी है, हरी मिर्च डाली हुई इन्होंने, यमी लग रही है। वैसे तो चिली पनीर भी अच्छा है यहाँ का, मगर मेरे को टिक्की ज़्यादा सही लगी। तो हाँ, अगर आप पनीर लवर हो आपको पनीर अच्छा लगेगा, मगर मेरे को टिक्की ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ना यहाँ का चिली पनीर थोड़ा सा स्वीट भी है। आई नो यूजुअली चाइनीज़ फूड में स्वीटनेस होती है। आपको चाहिए ना दो? टू गुड। अगर आपको अलग से भी यहाँ पे कोई स्टार्टर लेना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आलू कॉर्न की टिक्की मंगवाना, यमी होती है। यहाँ पे मेन कोर्स भी आ गया है और ना बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं। तो यहाँ पे है दाल मखनी, यहाँ पे स्टीम राइस, और यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल, इज द अदरक की आलू गोभी विच इज़ माय फेवरेट, बहुत अच्छी होती है यहाँ की। बूंदी का रायता भी आया है, सैलेड भी है वहाँ पे। सैलेड मैं खा नहीं रही हूँ, पर आप खा सकते हो, होता है यहाँ पे काफ़ी फ्रेश। और ना दाल तड़का का भी ऑप्शन है, वो मेरे पेरेंट्स ने ऑप्ट करी है, मैंने नहीं करी, बिकॉज मेरा तो दाल मखनी ट्राई करने का मन था, मेरी फेवरेट है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, खाने को ट्राई करते हैं। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ की, आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पोर्शंस आए हैं राइस के भी और करीज के भी। ब्रेड मैंने ऑप्ट नहीं किए हैं, बिकॉज मेरा मन नहीं था इतना सारा खाना जो हो गया है। तो दाल मखनी ट्राई करूँगी सबसे पहले, बिकॉज इट्स माई फेवरेट, और ना यूजुअली बुफे में होते नहीं है, मगर आज यहाँ पे है ऐसे सेट मेन्यू में, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। देखकर ही इतनी यमी लग रही है, तो खाने में कितनी अच्छी होगी। कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट दाल कौन सी है। दाल मखनी बहुत ज़्यादा क्रीमी एंड स्पाइसी है, यूजुअली दाल मखनी स्पाइसी नहीं होती है, मगर यहाँ की है, अच्छी लग रही है, एकदम चटपटी। दालचीनी और लौंग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें, बटर बहुत सारा डाला हुआ है इन्होंने, जो कि होना ही था, डिश का नाम ही दाल मखनी है। जब
ना रायता लेना भूल गई हूँ एक्चुअली, उसकी सर्विंग स्पून है नहीं यहाँ पे, सोचू ना राइस वाले स्पून से सर्व करूँगी रायते को। पर चलो तब तक बाकी चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ। दाल मखनी का एक और बाइट लूँगी। मैं तो दाल को राइस से पेयर कर रही हूँ। मैं ना लच्छा पराठा के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मैं उन्होंने ट्राई था आलू गोभी अदरक की। ये डिश ना मेरे को स्नैक जैसी लगती है, तो इसे मैं ऐसे ही इंजॉय करूँगी लाइक अ स्नैक। फ्राइड पोटेटोज डले हुए इसमें और कॉलीफ्लावर है। आलू गोभी में ना ग्रीन पीस भी डालते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से वाइब्रेंट कलर आ जाता है। आलू गोभी काफ़ी यमी है। पोटेटो का टेक्सचर मेरे को पसंद आया, बाहर से ऐसे हल्की फ्राइड कोटिंग है, अंदर से सॉफ्ट है। कॉलीफ्लावर भी कच्ची नहीं है बिल्कुल भी। आलू गोभी इज़ टू गुड, मेरी तो फेवरेट है यहाँ पे। और ना बुफे में होती है यूजुअली, तो मैं तो लेती हूँ हर बारी। हियर इज़ द मिक्स वेज, इसके अंदर मैं ग्रीन बीन्स पीस देख सकती हूँ, कैरेट्स है, पनीर है, तो इसे मैं राइस के साथ ट्राई करूँगी। मिक्स वेज को मैं पेयर कर रही हूँ स्टीम राइस के साथ। इवन द मिक्स वेज इज रियली गुड। वेजीज में ना हल्का सा बाइट है, सॉगी नहीं हो गई है बिल्कुल, और इन्होंने अपना कलर अच्छे से मेंटेन कर रखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। इस समय से मेरी फेवरेट तो डेफिनेटली दाल मखनी है, और सेकंड नंबर पे आलू गोभी। रायता भी मैंने ट्राई किया नहीं, मगर देखने में अच्छा लग रहा है, बूंदी का रायता है ये। ऊपर से इन्होंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाला हुआ है, मतलब रोस्टेड जीरा को पाउडर करके डाला हुआ है, तो उससे काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है। हाँ जी काफी। तो यहाँ पे राहुल भैया ने मेरे लिए रायता भी सर्व कर दिया है, और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन लग रही है इसकी। ऊपर उन्होंने ऐसे मसाले वाला पार्ट रखा है, इट लुक्स रियली गुड, तो इसे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे ना बूंदी रायता बेस्ट लगता है, तो इसे ट्राई करूँगी। अब कमेंट करके बताओ आपको कौन सा रायता अच्छा लगता है। बूंदी रायता इज़ माय फेवरेट, और लीस्ट फेवरेट है अनियन रायता, तो मैं हैप्पी हूँ कि वो नहीं है यहाँ पे और बूंदी रायता है। बहुत सारी बूंदी डाली हुई है इन्होंने इसमें, और हाँ बाकी सारा खाना यहीं रखा है, तो आप रिफिल भी कर ही सकते हैं खुद। यमी, दही एकदम फ्रेश है, और ना इसकी सीजनिंग बेस्ट लगी मेरे को, थोड़ी चटपटी सी है, बूंदी अच्छे से सोक हो गई है दही में, तो वो भी अच्छी लग रही है, इट इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग। तो हाँ अब मैं खाना फिनिश करूँगी और आपको मिलूँगी किसी और चीज़ के साथ। तो यहाँ पे आइसक्रीम भी आ गई है, एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर द वनीला आइसक्रीम। पापा कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो? तो यहाँ पे वनीला आइसक्रीम, और मेरे पापा ने बटर स्कॉच ऑप्ट किया है। यहाँ पे यही दो ऑप्शन थे आइसक्रीम में, वरना बाकी स्वीट्स के अंदर गुलाब जामुन है और एक दो और चीज़ें थी वो मैं भूल गई, तो मैंने तो वनीला मंगवाई है। मैंने इन्हें बोला था कि ना एक ही स्कूप लाए, बिकॉज ज़्यादा मैं खा नहीं पाती, फिर वेस्ट होती, तो क्या फ़ायदा। सो यार गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश द आइसक्रीम एंड गो बैक टू माई होम। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना।